चाहे 1,000 लैपटॉप ले लें, लेकिन जो इसमें फील आई थी जो पापा जी ने दिलाया था, इतनी खुशी हुई थी कि पापा जी ने दिलाया हमको। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज का खाना बना रही है चाची, बिकॉज मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, मम्मी के सिर में दर्द है, तो मम्मी रेस्ट करिए, इसलिए खाना बना रही है चाची। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, आज चावल ही नहीं बनाए मैंने, आज रोटी खानी पड़ेगी। मेरा तो बस पूरा दिन चावल खाने का मन करता है, रोटी खाने का मन करता ही नहीं है। मम्मी जी तो अपना रेस्ट कर रहे हैं, मम्मी जी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। अल्लाह ठीक है। और गाइज, मेरे पैर में प्रॉब्लम आ चुकी है, कल हमने ट्रैकिंग की थी, 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग की थी, तो यहाँ पे ना मेरे जूतों से मेरा पैर, यहाँ से उंगलियाँ है ना, वो पूरी छिल सी गई हैं, तो बहुत पेन हो रहा है। तेरे कुछ नहीं हुआ? फुल्ली फैंटास्टिक। चल के यहाँ कैसे आए फिर? मैंने सुना था आपके पैर में कुछ हुआ है। थोड़ा थोड़ा तो चल सकता हूँ, ज्यादा नहीं चल सकता। अब मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। वाह, बच्चों हो तो ऐसे, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, देखते हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी गाइस, अपना खाना तो रेडी हो गया, दही आलू मटर हरी सब्जी एंड रोटी, लेकिन मजा तो चावल में ही आता है, इसमें इतना मजा नहीं आता। ओलू। तो यहाँ पे कुनाली की चल रही है पढ़ाई, क्या पढ़ रहे हो कुनाली? आपको अपना नाम लिखना आता है? हिंदी में आता है, इंग्लिश में नहीं आता। इंग्लिश में सिखा रहे इसको? इंग्लिश में सीखना है ना। तो अभी गाइस, पांचों भाई एक साथ हैं। ओरियो को पता नहीं क्या हो गया, ओरियो देखो अपना मस्त वहाँ पे साइल फोन चला रहा है, ये दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, मैं अपने यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। मैं अपना नाम लिखना सीख रहा हूँ, पहले एन, फिर ए, फिर के, फिर यू, फिर के, नहीं के नहीं, एल। हाँ, ए आता है फिर यू आता है, नहीं फिर के आता है, के आता है फिर यू आता है, फिर लास्ट में क्या आता है? एल। हाँ, एन, ए, के, यू, एल। वाओ, तालियां 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 तालियां। गुड, फाइनली आज कुनाली को उसके नाम की स्पेलिंग याद हो चुकी है। और ये चलो नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो, नमस्ते, और नमस्ते करो, नमस्ते। तो भी गाइस, खाना पीना हो चुका है, अब फिलहाल मैं सारे बिल पे कर रहा हूँ अपने घर वाले, सारे बिजली रेंट। तो आज का दिन है बिल पे करने का, पापा जी ने सारे लिख के दे दिया मुझे बिल। हमने अभी तक अपना न्यू मैकबुक अनबॉक्स ही नहीं करा, मुझे याद ही नहीं है। चलो आज करेंगे अनबॉक्सिंग, पीयूष करेगा, फिलहाल पहले बिल पे करता हूँ सारे। अभी बताना पापा जी कितना कितना है ये, दूध वाला, बिजली वाला, मकान का किराया, और ये क्या है, ग्रोसरी, वाईफाई, भाई कितने बिल हो जाते हैं यार। आप भी खा रहे हैं? दे दो यार, मैं भी खा लूंगा। क्या है ये? दे दो यार। तो चलो गाइस, जब अनबॉक्सिंग करते हैं न्यू मैकबुक प्रो 14 इंच की, जो कि न्यू वाला है, मैंने लिया था ना, तो चलो अभी तक खोला नहीं है, तो इस तरह का बॉक्स है ये, तो पीयूष पहली बार अनबॉक्सिंग करेगा। सही पकड़े हैं, सही पकड़े। चलो ऐसे कुराली, इसमें क्या है? न्यू मैकबुक। ये खुला, क्या है उनमें? न्यू मैकबुक। अब इसमें पन्नी वन्नी नहीं आती। 3, 2, 1। हाँ, इसका डिजाइन भी अलग है, जो मेरे पास है ना, ऊपर उससे भारी भी है ये। दिखा ना, हाँ उससे भारी है। पहले इसको लास्ट में करते हैं। ये वायर पता है कौन सी है? मैग्नेट वाली है ये। ओ, ये तो सेटिस्फाइंग, मैकबुक प्रो का। ओ भाई, कितना प्यारा लग रहा है, डिजाइन अलग है, यहाँ पे लिखा है मैकबुक प्रो। तो ये है ना, ये चिपक जाता है, दिखा दिखा। हाँ, चिपक गया ना, ये चिपक गया। अब निकालेंगे कैसे? खींच दे बस, निकल जाएगा ऊपर करके, ये चिपक जाता, मस्त है ये। तो फाइनली गाइस, अवर न्यू मैकबुक प्रो 14 इंच, पहले वाले से थोड़ा बड़ा है, भारी है, और चार्जर भी अलग है, काफ़ी चीज़ें डिफरेंट है, और प्रोसेसिंग भी तेज है इसकी, प्रोसेसर भी काफ़ी तेज है। तो हाँ, अब एडिटिंग में थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी, और 4K वीडियोज एडिट करेंगे। और अभी चलते हैं मार्केट, न्यू मेमोरी कार्ड लेके आते हैं, मैंने दिल्ली से मंगाया था तो मार्केट में आ चुका है। अभी तो इसमें बहुत काम करने हैं, एप्पल आई डालनी है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर डालना है, और भी बहुत कुछ डालना है। तो गाइस, ये है पुराने वाला और ये है न्यू वाला, और इसमें डिफरेंस है देखो, काफ़ी साइज़ में भी डिफरेंस है और स्क्रीन में काफी डिफरेंस है। अरे ये देखो, स्क्रीन देख, स्क्रीन में काफी डिफरेंस है। ये वाला ना थोड़ा बहुत कभी कभी हैंग करता है, तो होपफुली न्यू वाला हैंग नहीं करेगा। मैकबुक से पहले मैं यूज करता था लेनोवो का ये लैपटॉप, ये मैंने खुद ही लिया था बहुत मुश्किल से, कमीशन वर्क करके मैंने काफी वीडियोस में एडिट करी है, उसके बाद मैं मैकबुक ले लिया था, अब न्यू मैकबुक आ गया। और उससे पहले हमारा पहला लैपटॉप दिखाता हूँ मैं आपको, ये है, ये हमारा पहला लैपटॉप, इतना भारी है ना, ये एचपी का है, ये पापा जी ने दिलाया था, और मेरे को पता है कैसी इतनी मुश्किल से मेहनत करके मजदूरी करके पापा ने दिलाया था, सेकेंड हैंड दिलाया था, 20,000 रुपये का। मेरे को पता है इस लैपटॉप की क्या की, मतलब जब ये आया था मुझे कैसा फील हुआ था, तो ये मैंने अभी तक रखा हुआ अपने साथ में, ये HP का पता नहीं कौन सा है, लेकिन ये बहुत मोटा है और इसके अंदर कुछ भी नहीं चलता, कोई सॉफ्टवेयर नहीं चलता, कुछ नहीं चलता, बस इसमें हम मतलब नोट्स वगैरह देखते थे और कुछ नहीं। ये सबसे पहला लैपटॉप है मेरा, और ये तो पापा जी ने दिलाया, तो इसको तो मैं अपने साथ में रखूंगा। इसका ट्रैक पैड कितना छोटा सा है,
ये तो दिल के बहुत करीब है, तो इसको हम हमेशा साथ में रखेंगे अपने। चाहे 1000 लैपटॉप ले लें, लेकिन जो इसमें फील आई थी जो पापा जी ने दिलाया था, इतनी खुशी हुई थी कि पापा जी ने दिलाया हमको, तो मतलब वो अलग ही था। आप चाहे खुद चाहे 1000 लैपटॉप ले लो, चाहे कितने महंगे कुछ भी ले लें, लेकिन वो फील नहीं आएगी जो पापा जी ने दिलाया था। बहुत चलाया भाई हमने, ये बहुत चलाया हमने, हम लड़ते रहते थे इसके लिए, क्योंकि एक ही था, मैं लड़ता था, साहिल लड़ता था। हाँ वो दिन याद आ गया बचपन के, लेकिन ये रखेंगे इसको, हम कभी किसी को देंगे। सॉरी ओ भाई, नया लैपटॉप मार दिया। तो अब गाइस चलते हैं मार्केट न्यू मेमोरी कार्ड लेने के लिए, जो कि मैंने सोनी से मंगवाया था। भाई कितने सालों बाद चला रहे हैं इस लैपटॉप को, लेकिन इसकी हार्ड डिस्क खराब हो गई। इसका डाटा कहाँ है सारा? सारा गया ना, हार्ड डिस्क खराब हो गई। ऑन तो हो रहा लेकिन चल नहीं रहा। तबीयत ठीक है आपकी? अरे वही तो मेरी गड़बड़। क्या हुआ? अब रेस्ट करो, फिर आप काम क्यों कर रहे हो? गर्मी आ चुकी है इसलिए मम्मी सारे गर्मी वाले कपड़े निकाल रही है, सर्दियों वाले सारे रख रही है। ओ भाई कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हैं यहाँ पे, कितनी प्यारी प्यारी थार भी खड़ी है यहाँ पे। तो फाइनली गाइस मेमोरी कार्ड मिल चुका है हमको, 160 GB का ये, और साथ में कार्ड रीडर भी ले लिया एक। तो हाँ चलो दोनों चीज आ चुकी हैं। तो भी गाइस घूमते फिरते हम पहुंच चुके हैं जंगल के बीच में थार लेके, और इतनी मस्त मस्त आवाजें आ रही हैं यहाँ पे बर्ड्स की। पानी पीना मेरे को। पानी पीना। पानी तो नहीं मिलेगा भाई, यहाँ खोदना पड़ेगा पानी तो। खोदे। चलो फोटोज क्लिक करवाते हैं एक दो। लेकिन जो बर्ड्स की आवाज आ रही है ना यहाँ पे, अभी एक्चुअली पतझड़ चल रहा है ना, इसलिए देखो बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं है। अब एक महीने बाद जब बारिश आएगी ना, तो पूरा ग्रीन हो जाएगा ये जंगल, तब और प्यारा लगेगा। अभी तो पत्ते वत्ते सारे झड़ रखे हैं। यहाँ जंगल में भी हमको सब्सक्राइबर मिल गए। ये देखो पीयूष का वीडियो कॉल करने का स्टाइल ऊपर से ही। देखो गाइस थार का ये फायदा है, सोचना नहीं पड़ता कहीं ले जाने से पहले। हमारा मन करा था लेकिन हम थार को मतलब बेझिझक ले आए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है ऑफ रोडिंग, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कहीं भी जंगल में ले जाओ, कहीं भी कुछ भी कर लो। गाइस साहिल हो गया पागल, देखो कितने ऊंचे पेड़ पे चढ़ गया वो, और इसमें ना ज़्यादा टहनियाँ ऐसे पता नहीं कैसे चढ़ गया, गिर गया ना, बहुत ऊंचा पेड़ है, वीडियो में फिर भी नहीं लग रहा होगा। भाई उतर जा, गिर जाएगा भाई, टूट जाएगी टहनियाँ। भाई तो चढ़ कैसे गया इतने ऊपर? वही तो बात है, वो भी चप्पलों में। हाँ यार चप्पल से चढ़ कैसे गया इतने ऊपर, भाई गिरेगा ना किसी दिन। मेरे को ना साहिल का हमेशा डर लगता है, वो ऐसे ही काम करता है हमेशा, ऊट पटांग से कहीं कहाँ चढ़ जाए, कभी कहाँ चढ़ जाए, कभी कहाँ पे स्टंट मारेगा। सब्सक्राइबर, अरे वाह, ये डॉग आपका ही है भाई? मेरे ऊपर मत गिर जाइयो, देखना कैसे पोज मार रहा है। अब नीचे कैसे उतरेगा? नीचे कूद मारेंगे, इतनी ऊपर से कूद मारेगा, पागल है। कह रहे हैं यहाँ से जंप मारूंगा, यहाँ से जंप मारेगा ये, कूदने वाला है साहिल, कूदने वाला है। रुक 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 रुक। और बताए थार ना ऐसी जगह पे अच्छी लगती है, मेन रोड पे अच्छी नहीं लगती, साफ सुथरी रोड पे अच्छी नहीं लगती, जंगल में अच्छी लगती थार। देखो अब जो खड़ी है ना मस्त। चलो कुनाली की तो पढ़ाई चल रही है, मम्मी तबीयत ठीक है? अरे अभी दवाई फिर ले, मौसम बदल रहा है ना। सर दादा आप तीनों तो मजे ले रहे हो, मैं यहाँ क्या करूँ? क्या मजे ले रहे हैं हम? कुछ पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ ना, तीन मजे ले रहे हैं वहाँ हूँ, देख लो कदू पढ़। कौन से मजे ले रहे हैं हम बता दो तो? सब मजे ले रहे हैं, पढ़ाई के मजे लेने चाहिए बच्चों को, और आपको बिना पढ़ाई के मजे चाहिए बस। कुनाली आपके नाम की स्पेलिंग क्या है? मेरा है एन ए हाँ, और के हाँ, यू हाँ, एल हाँ, नकुली। आज कुनाली को उसके नाम की स्पेलिंग याद हो चुकी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये इसके लिए। तो गाइस आज तो मम्मी जी सुबह से रेस्ट ही कर रहे हैं, अभी तो थोड़ा सा पसीना आया है, अभी दवाई ले फिर। कल की हवा लगेगा ऑटो की, ऑटो की हवा लग गई तो ऑटो में मत जाया करो ना, गाड़ी खड़ी गाड़ी में जाया करो। मम्मी ऑटो में जाती है ना, तो ऑटो की हवा लग जाती है ठंडी ठंडी, क्योंकि बगल में जंगल वंगल आपने देखा होगा, तो जंगल से तो हवा आती है ठंडी ठंडी, पहाड़ भी हैं, तो ऑटो में तो ठंड लगती है। कोई नहीं, हो जाओगे ठीक, हो जाओगे। तो आज का खाना हमारी प्यारी चाची बना रही है सबके लिए। क्या चल रहा है भाई, कौन सी गेम खेल रहे हो? माइनक्राफ्ट। तू भी खेलता है क्या? मैं पहली बार खेल रहा। तो साहिल पहली बार पीसी में गेम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। मैंने तो खेली नहीं है। आपको नहीं मिलेगी, खा लो पहले ना। तो हम तो खा लेंगे, आप क्यों आए हो यहाँ पे? मैं बताऊँ, आप ना ओवर टेंशन लेते हो, फालतू की आप टेंशन लेते हो, इसलिए आपकी सिमदर्द होती है। आप हमारी टेंशन लेनी बंद कर दो, आप ज़्यादा आप माइंड से फ्री रहो, हम भी फ्री रहते हैं, हम घूमते फिरते हैं, हम ज़्यादा मत सोचा करो आप। तो अभी जस्ट एडिटिंग स्टार्ट करी थी, बुलावा आया खाने के लिए, तो चलते हैं डिनर करने के लिए। अभी तो पुराने लैपटॉप में ही कर रहा हूँ, नए में भी सेटअप करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो चलो अभी देखते हैं डिनर करते हैं सबके सब मिल के। अभी मुझे खुद ही नहीं आने दे रहा है, मुझे बैठने तो देगा ना, मुझे बैठने तो देगा। और मैं इधर बैठ जाऊँ? सभी कितने प्यारे लग रहे हैं बैठे हुए, पूरी फैमिली, बस दादाजी वहाँ पे हैं।
दादाजी मेरे लिए बैठने के लिए ले आए हैं। आ गया भाई, आलू मटर ले जाओ, सब दे दो, सब जो है सब दे दो। तो गाइस डिनर में है दाल और रोटी, मस्त। तो भी गाइस डिनर के आगे मैं फिलहाल अब मैं एडिटिंग स्टार्ट करूंगा और बस फिर सो जाएंगे। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अरे ओरियो की होगी, अरे ओरियो को डांट दिया मम्मी ने, अरे ओरियो को डांट दिया।